वट इज़ अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि उनको टाइटली हेल्ड करके रखते हैं. दैट इज़ अ मॉलिक्यूल इज इन जर्नल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. इसके अलावा एक डेफिनेशन और है मॉलिक्यूल्स की. मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी कि एक मॉलिक्यूल क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेले एग्जिस्ट कर सके और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस सब्सटेंस की वो सभी वो शो कर सके. Atoms of the same element or of different elements can join together to form a molecule. एक ही element के जो atoms हैं वो combine करके एक नया molecule बना सकते हैं, या हो सकता है कि जो different element हैं उनके atoms भी combine करके molecule बनाएं. For example, oxygen हमारा एक element है जो आपने आप से ही combine करके भी same atoms के साथ combine करके मॉलिक्यूल बना सकता है, जैसे कि O2, और डिफरेंट के साथ भी बना सकता है. जैसे कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. सो सेम एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन करके बना सकते हैं मॉलिक्यूल, या डिफरेंट के भी. नाउ लेट्स सी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम. जो किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो सेम टाइम के एटम से बनेंगे. जैसे कि आर्गन और हीलियम हैं जो नोबल गैसेस में आते हैं, वो बहुत ही स्टेबल होते हैं इसलिए वो अपने साथ ही बनाते हैं. तो एक ही एटम है उन एलिमेंट का जो कि कंबाइन करके बनाता है एक मॉलिक्यूल को. जबकि कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जब दो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है, दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे O2, और तीन एटम जब कंबाइन करते हैं तब O3 बनता है जो ओजोन लेयर है. ओजोन हमारा जो लेयर होती है अर्थ के अपर पार्ट पे, जो कि सन से हार्मफुल रेडिएशंस जो आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो वो क्या होती है? तीन एटम ऑक्सीजन के मिलके O3 ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करते हैं. तो एक सिंगल एटम भी बना सकता है एक मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का, या फिर एक से ज़्यादा एटम्स भी मिलके बना सकते हैं मॉलिक्यूल. नाउ जितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे वो होती है उसकी एटोमिसिटी. यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी. जितने नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं वो होंगे उसकी एटोमिसिटी. फॉर एग्जांपल O2 जो है उसमें एटोमिसिटी कितनी है? दो. नाउ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन है, उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो खुद के साथ लिंक कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल कार्बन जब ग्लूकोज में एग्जिस्ट करता है तो कितने कार्बन एग्जिस्ट करते हैं? सिक्स. वहीं जब सुक्रोज में होगा तो कार्बन 12 एग्जिस्ट करेंगे. तो इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती. कार्बन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है जिसके पास ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस भी फॉस्फोरस चार जो है अपने जैसे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, और सल्फर जो है वो उससे भी ज़्यादा कर सकता है. सो कार्बन की सबसे ज़्यादा हाई है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी देन सल्फर की. नाउ लेट्स सी सम अदर एलिमेंट्स
नॉन मेटल्स के जो कि कंबाइन करते हैं. आर्गन हिन हीलियम मोनोटोमिक है, सिंगल कंबाइन रहते हैं, एटम सिंगल होता है उनका. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. O2, H2, N2, Cl2. फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक है, यानी कि चार के साथ कंबाइन करेगा P4. और जो सल्फर है हमारा वो है पोलीएटोमिक. पोलीएटोमिक है यानी कि एक से ज़्यादा बहुत सारे नंबर में हमारे पास एटम्स होंगे जो कंबाइन करेंगे सल्फ़र के. सल्फ़र 8 में भी कंबाइन करता है, 12 में भी, 9 में भी. सो सल्फ़र के काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं. उसकी एटोमिसिटी कैसी है? पॉलीएटॉमिक है वो. नाउ लेट्स सी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. कंपाउंड में कैसे ज्वाइन करते हैं? जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं. यानी कि जो हमारी रेशियो होगी वो सेम नहीं होगी एलिमेंट में कॉम्बिनेशन की. एग्जांपल के लिए वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर में हमारा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और रेशियो कितनी होती है इसकी? 1:8. वाटर में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1. तो यहाँ पे दो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं. और ऑक्सीजन कितना होता है मास? 16. सो एक ऑक्सीजन है, 16. सो रेशियो हम अगर देखें तो रेशियो हमारी बनेगी 2:16. सिंप्लीफाई करेंगे उसे तो 1:8 आएगा हमारा. सो मास रेशियो कितनी होगी वाटर के लिए? 1:8. अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, NH3. नाइट्रोजन कितना? 1, और हाइड्रोजन 3. सो नाइट्रोजन का मास होता है हमारा 14, और हाइड्रोजन का कितना है? 1. तो मास रेशियो कितनी हुई? 14:3. कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन. कार्बन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन के लिए 16. सो 12:16. सिंप्लीफाई करेंगे 3:8. सो यू कैन सी कि डिफरेंट जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मास प्रोपोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है, और उसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं.